वेलकम टू निधिज मेहंदी आर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से एस लेटर में से हम मेहंदी के डिज़ाइन बनाएंगे। अगेन दूसरा एस हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के इस तरह से एस लिखेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये जो ऊपर का पार्ट है एस का, तो यहाँ से आपको स्पाइरल शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। एकदम लाइटली हम स्पाइरल शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नीचे से हम सिंपली इसको हम जॉइंट करेंगे और यहाँ से इस तरह से जॉइंट करेंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से और यहाँ से हम दो पेटल्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ से अगेन दो पेटल्स ड्रॉ करेंगे सेम पॉइंट से। यहाँ से जो हम पेटल ड्रॉ कर रहे हैं वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो इतना फ्लावर हो जाने के बाद हम शेडिंग अप्लाई करेंगे। शेडिंग जो है वो सिंपली आउटर लाइन जो है, बाहर की जो हमने लाइन ड्रॉ की है, बाहर की जो आउटर एजेस है वहाँ से हम एक्सपांड करेंगे इस तरह से। शेडिंग अप्लाई करते वक्त आपको कोन को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। विदाउट प्रेसिंग मेहंदी कोन यू हैव टू एक्सटेंड मेहंदी पेस्ट फ्रॉम दिस आउटर लाइन। और फिनिशिंग के लिए हम वापस इसको रीड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही आसान है। जो लोग मेहंदी सीख रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट टेक्निक है परफेक्ट फ्लावर ड्रॉ करने की। तो ये आउटर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम इस तरह से एकदम हल्के हाथों से इस तरह से शेडिंग अप्लाई करेंगे जो एस लिखा था वहाँ से। अब यहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी ये जो हमने स्लांटिंग वे में एस लिखा है, तो वहाँ से भी हम ऊपर के पार्ट में इस तरह से स्पाइरल शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे नीचे की साइड, और उसके बाद यहाँ से वापस इस तरह से कनेक्ट करेंगे। यहाँ से हम शेडिंग अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे पॉइंट्स बना के हम पेटल्स ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम हाफ ही पेटल ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि हमने एक फ्लावर ऑलरेडी बना दिया है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। हम सिर्फ इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम कंप्लीट पेटल ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली ऊपर की साइड हम इस तरह से रैंडमली पेटल क्रिएट करेंगे। तो ये फ्लावर भी कंप्लीट करने के बाद ऊपर की साइड हम इस तरह से बनाएंगे नेक्स्ट फ्लावर, इस तरह से एस शेप लिख के। यहाँ से सिमिलर स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो ये हम स्ट्रिप फॉर्म में डिज़ाइन बना रहे हैं। तो अब इसके आसपास हम इस तरह से छोटे छोटे लीव्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से। दोनों साइड हम लीव्स ड्रॉ करेंगे, कुछ फ्लोरल पैटर्न ऐड करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम लीफ में इस तरह से फीलिंग पैटर्न क्रिएट करेंगे और सेंटर लाइन को हाईलाइट करेंगे विथ आउटर लाइन। तो इस तरह से मैंने आसपास यहाँ पे लीफ और एक ही स्टाइल के इस तरह के फ्लोरल पैटर्न्स ऐड किए हैं।
तो सिमिलरली यहाँ पे मैं एक लीफ ड्रॉ करूँगी और यहाँ से मैं इस तरह से फिंगर्स पे इस तरह से फ्लोरल पैटर्न्स ऐड करूँगी। तो इस तरह से हमने ये पूरी डिज़ाइन क्रिएट की है बहुत ही आसान तरीके से। अब सिंपल जहाँ पे आपको जगह दिखे एम्प्टी स्पेस वहाँ पे हम इस तरह से तीन डॉट्स का ग्रुप बनाएंगे। ट्रायंगुलर शेप में हम डॉट्स रखेंगे तो उसका जो गेटअप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो एकदम ही आसान तरीके से मेहंदी की डिज़ाइन हमने बनाई है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करना और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच।